अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैसल और फहद हम साथ आपके इस वक्त मौजूद हैं एक घर में क्या वो क्या है कि एपिसोड सेकंड के साथ। और इस वक्त हम इस बेंगलोर में आए हैं जहाँ पर हमें काफ़ी असरात के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती रही हैं जिससे आस पड़ोस के लोग काफ़ी परेशान रहे। और आज से 4 महीने पहले एक बच्चे को गिरते हुए किसी ने इस छत से देखा था, इस घर की छत से देखा था। तो आइए ना जी, इस घर में हम जाके देखेंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे, देखते हैं हमें कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर मौजूद मिलती है या नहीं मिलती है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये वैलिड है या नहीं, यहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब हम लोग इस वक्त इस घर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं। इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं और हम लोग अब जाएंगे घर के अंदर, देखेंगे कि कुछ ऐसा हमें मिलता है या नहीं। और फैसल, आप कैमरा और अपनी मीटर वीटर के साथ रेडी हैं? जी बिल्कुल। ओके नाज़रीन, इस वक्त हम इस बेंगलोर के मिड में एक कमरा है जहाँ पर मौजूद हैं। और इस कमरे के अंदर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है। हमें जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि सामने वाले घर से एक अंकल होते हैं छत पर, अक्सर वो रात में यहाँ पर आवाज़ें सुनते हैं काफ़ी चीखने की, चिल्लाने की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है नहीं मिलती। ये देखिए कुछ सामान यहाँ पर मौजूद है। इस सामान में फाद में उनसे डस्ट भी काफ़ी मालूम हो रही है, काफ़ी पुराना मतलब। हाँ, काफ़ी दिन से जो है इस पर कोई आया नहीं है, यहाँ पर कोई रहा नहीं है। तो ऐसा हम लोग जैसे कहानियों में सुनते आए कि कोई घर काफ़ी ऐसे से खाली हो और उसके अंदर मतलब भूत वगैरह अपना घर बना लेते हैं, कि हो सकता है ऐसा कुछ हो। अच्छा, तुम क्या कहते हो? हाँ, मेरे ख्याल से, लेकिन ये घर डेकोरेशन के हिसाब से काफ़ी नया है। अच्छा बनाया हुआ है। चले पता नहीं यहाँ पर कोई तुम्हें स्मेल सी महसूस हो रही है, कुछ अजीब सी एक फीलिंग आ रही है मुझे। मतलब हम लोग रूम के अंदर एंटर हुए थे, जब मेन एंट्रेंस जब हम लोग जब जहाँ से हमारा काम हमने स्टार्ट किया है, और वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल थी जो कि मैंने और फैसल ने, फरहान ने, हम लोग जब जो भी लोग वहाँ मौजूद थे हम सब ने फील। हाँ, मुझे तो महसूस हो रहा था। चले आए, हम देखते हैं नाज़रीन, चलते हैं हम लोग उस जगह की तरफ जहाँ से ये बच्चे गिरने को देखा गया था। और ये इसका मिड एरिया है, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ और जहाँ पर एग्जैक्टली वो वारदात जो देखा गया है बच्चे को गिरते हुए। और ये है कि हम लोग अपने इक्विपमेंट्स को प्लेस करेंगे ऊपर, थोड़ी देर वक्त गुजारेंगे, बैठेंगे वहाँ पर, देखते हैं कि हमें कुछ इस तरह का मिलता है या नहीं। चले फाद, कैमरे रेडी हो चुके हैं, हमें चलना चाहिए ऊपर की तरफ। बिल्कुल नाज़रीन, अब हम लोग उस स्टेयर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से उस छत का हम ऊपर जा रहे हैं, उस एग्जैक्टली लोकेशन की तरफ। कैमरा लेके आपको कि लाइव फोटेज लेके जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ, कुछ फील हुआ था कि लाइक अजीब सी एक्टिविटी मेरे ऊपर, लाइक मेरे सर के ऊपर से गुजरी या कोई मुझे पुश कर रहा पीछे से, मुझे खींच रहा, उसको मुझे फील हुआ था। अब हम आ गए उस छत की तरफ। दरअसल इसी छत के बारे में उन्होंने शायद बताया था कि यहाँ से एक बच्चा गिरते हुए देखा गया है। हाँ, इसी छत के बारे में बताया गया। और अक्सर इस छत से लोगों की शिकायत आई यहाँ आसपास के घरों से कि यहाँ से कोई पत्थर फेंक रहा होता है। और इनफैक्ट लोगों ने एक साथ रात को आके कोशिश की है देखने की कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं मिली है। आई थिंक फैसल, हमें देखना चाहिए यहाँ पर क्या है। ये स्टोर सा बना हुआ है, मतलब इसकी दीवारें काफ़ी अजीब हैं और यहाँ पर भी कहाँ मेरे पास सामान काफ़ी दिख रहा होगा। अगर आप कैमरा हम कैमरा में से गए हैं और इस साइड पर दिखा दें, यहाँ पर एक बेसन है। और ये देखिएगा ज़रा, ये खून के निशान देख रहे हैं फैसल आप? तो फैज़ल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खून के निशान जो है इस वक्त ये फ्रेश है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने अभी खून फेंका हो।
हाँ हाँ ये वाकई में मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे सामने द्वार पे देखिए कुछ निशान और आपको दिखेंगे, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, किसी ने ऐसा मेरा खून देखा। या तो फिर हमारे पड़ोसी शफीक भाई ने गुटखा खा के फेंका, हो सकता है, हमें नहीं। खैर अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये वाकया हुआ है और हमें कुछ ऐसा मिलता है या नहीं मिलता। वैसे अजीब सी आवाज़ सुन रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ बात, मुझे आवाज़ आई है, मुझे काफ़ी अजीब सी एक आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद हमारे ईपीवी मीटर में नोट कर लिया। फैसल करती थी उसको जब हम लोग वहाँ मौजूद थे, हमने एक आवाज़ सुनी है वहाँ पर। मैं और फैसल जब जब स्टेयर्स की तरफ ऊपर मूव कर गए थे तो एक आवाज़ अजीब सी सुनाई दी थी, जैसे कोई औरत चीख रही हो किसी के चलने की, और वो हमने खुद महसूस किया, खुद फील की। ज़रा मीटर ऑन करके देखता हूँ मैं, मीटर में कुछ रीडिंग आ रही है, ये देखिए फैसल। फास्ट सिग्नल तो मीटर में काफ़ी तेज़ मालूम होते हैं, ये देखिए एनालाइजेशन। ओह माय गॉड, अब मुझे नाज़रीन जिस तरह आप देख सकते हैं मीटर को, इस वक्त आपकी शायद स्क्रीन पे हो मौजूद ना हो, इस मीटर में बता रहे हैं कि रीडिंग आ रही है 31, इसका मतलब यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है हमारे सिवा के जो हमें हमें देख रही है, हमें सुन रही है शायद। ठीक है अब चलते हैं, कैमरा हम आगे ले चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं हम थोड़ा। और फैसल यार कैमरे से तो हटो। अच्छा फात, देख नाज़रीन देख रहे हैं जिस तरह फैसल कैमरे को चेक कर रहे थे, आप डर तो नहीं गए होंगे आदमी से का जी? अच्छा अब हम आगे देखते हैं हमें क्या चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्या यहाँ पर दिख रहा है। फैसल ये दीवार देखो, काफ़ी ड्राउनी सी लग रही है, अजीब सी लग रही है मुझे। अगर आप इसको गौर से देखें नाज़रीन इस दीवार की तरफ, काफ़ी अजीब सी इसमें खौफनाक सा कुछ लग रहा है। और इसी दीवार के ऊपर से किसी को बच्चे को कूदते हुए देखा गया था, तो आप देख सकते हैं। साउंड ऑफ ही होगा ना? नहीं ना, इसके उसमें साउंड डालना है। चलो बता ना, कुछ चलो बता ना, कुछ मैंने कुछ नहीं देखा बात, मैंने कुछ यहाँ पे देखा बात, बाद में तबियत खराब हो रही है फैसल, फैसल नाजीन जिस तरह देख रहे हैं तबियत खराब हो रही है फैसल। यार फरसान कैमरा छोड़ो यार, इसको क्या हो गया, देखो क्या हुआ फैसल, फैसल 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 या फा मेरे ख्याल से यार पानी लाता हूँ, पानी ले गया फरान। नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं फैसल की तबीयत खराब, फैसल फरान हमें फैसल में चाहिए यार, मेरे ख्याल से फात फात कट करो यार, कट करो यार, कट करो, बंद करो यार। जैसा कि जब हम लोग बिल्कुल उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए थे जहां पर बच्चे को गिरते हुए देखा गया था वहां के आसपास के लोगों ने, उस जगह पर जब हम लोगों ने कैमरा फिक्स किया तो एक फैसल को कोई जाते हुए दिखा, जैसा कि आपने कैमरे में देखा होगा कि उसकी एग्जैक्टली इमेज कैप्चर हुई है, कोई शख्स गुजरा है वहां से सफ़ेद चादर ओढ़े और दीवार की तरफ गया, बहुत ही टेंपरेरी पीरियड थी, बहुत टेंपरेरी और डिसअपीयर हो गई। और ये कैमरे में आपने देखा है, हमने देखा है, कोई इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी है वहाँ पर जो किसी को वहाँ रहने। देखिए फैसल जो हमारे साथी थे उन्होंने इस चीज़ को लाइव देखा है, दुआ करते हैं कि अभी तबियत दर्द से ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी तबियत और के आए। और वो अरे दादा डायरेक्टिंग किया मैंने यार, वीडियो बन रही है अभी, बता रहा हूँ उनको कि सारा भांडा फोड़ दिया यार, बंद करो।